अब खबर गुना से, जहां गुना के शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर केपी यादव से चुनाव हार गए और इसके बाद से उनका मुंह गुना शिवपुरी सीट से भंग होता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर में अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं और लगातार ग्वालियर में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग समाज के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण समय समय पर कर रहे हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले सिंधिया 2023 के चुनाव में समर्थित विधायकों को ही चुनाव जिता लें। देखिए, उनके अपने जो ग्राफ था उसमें गिरावट आई है। कांग्रेस में इन सब चीजों की आवश्यकता उनको कभी नहीं पड़ी, लेकिन आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो आज उनकी भाजपा में जाने के बाद है, भाजपा के टॉप लीडरों से उनकी जो सीधी सीधी लड़ाई आपको दिखाई दे रही है, इसमें उनकी जो आस्था है, मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें सूपड़ा साफ हो जाएगा। उनके जितने विधायक उनके साथ गए थे उनमें से एक दो भी जीत जाए तो बड़ी बात है। कांग्रेस के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर सदैव एक गुलदस्ता रहा है और उसी गुलदस्ते को मजबूती प्रदान करना और सबको साथ में लेकर चलना हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी की सदैव सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व बनता है कि एक एक समाज को मध्य प्रदेश के विकास में और राष्ट्र के विकास में हम लोग जोड़े। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ग्वालियर में सक्रिय हैं और अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर से चुनाव लड़ने पर सिंधिया के सामने बीजेपी के पुराने नेताओं को एकजुट करने की चुनौती होगी। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।